हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो, जो कि काफ़ी टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपना होम टूर करवाइए। तो जी हाँ, मैं आज आपको अपना होम टूर करवाती हूँ। यह है मेरा छोटा सा होम टूर और देखिए, यह है मेरा छोटा सा घर। और छोटा सा है बट बहुत प्यारा है। और ये है इसका मेन डोर और देखिए, बाहर से दो डोर है। एक बाहर का जो रूम है उसमें भी एक डोर है। और ये जैसे ही हमने मेन गेट को खोला तो यहाँ पर जगह थोड़ी सी खाली है, यहाँ मतलब सीढ़ी के नीचे यहाँ पर हमारी बाइक खड़ी होती है। और यहीं पर बैठ के मैं बर्तन धोती हूँ। आपने देखा होगा, बर्तन वगैरह धोती हूँ, मसाला वगैरह यहीं पर पीसती हूँ। तो काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के लिए बिल्कुल सेफ रहती है। और उसके बाद जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड में है एक छोटा सा रूम। छोटा सा रूम नहीं, छोटा सा गेट है इसका। रूम तो है, मतलब एक्चुअली ये एक तरह से वही स्टोर रूम समझ लीजिए। पहले यहाँ इसमें हमारी दुकान थी तो, और इसका एक बाहर से भी गेट है। और देखिए इस रूम में मतलब यही मतलब जो काम का सामान नहीं होता वो यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर इन्वर्टर बैटरी के बगल में सिलेंडर है, और सिलेंडर के बगल में सिलेंडर के ऊपर देखिए ये मैंने रख रखा है सब्जी की टोकरी जिसमें आलू और प्याज है। और यहाँ पर है ये बॉटल पानी की, और उसके साथ में है बैटरी में डालने वाला पानी। और यहाँ पर देखिए खिड़की है छोटी सी बाहर की साइड। और यहीं पर है ये मशीन, सिलाई मशीन। और सिलाई मशीन हम लोग यहाँ पर इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी लाइट आती है, और जब भी हम सिलाई करते हैं तो अगर लाइट ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़े आराम से अपना काम कर सकते हैं, इसलिए मशीन यहीं पे रहती है। और इस मशीन को काम होने के बाद मैं ढक कर रख देती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर हमने रख रखा है एक टेबल, जो कि टेबल टूट चुका है, जो इसका वो स्टैंड होता है खड़ा होने वाला वो निकल गया है। वैसे लगा देंगे तो लग जाएगा, बट अब इसका कोई यूज़ नहीं है तो बस इसको यहीं पर हमने रख रखा है। और उसके बाद है ये ट्रंक, एक जिसमें कि सारे सर्दी के कपड़े और कपड़े जो यूज़ में नहीं आते हैं वो कपड़े इसी में रहते हैं। और काफ़ी अच्छा स्पेस है, इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं और कपड़े सेफ भी रहते हैं। और उसी के ऊपर मैंने रख रखा है यहाँ पर एक आटे की बोरी है, उसके ऊपर ये वाइट वाली बोरी में चावल है थोड़ा सा। और ये कार्टून बॉक्स है, इसके अंदर देखिए जो मैं लाती हूँ घर का सामान, वो जो यूज़ का होता है वो किचन में लेके चली जाती हूँ, बाकी अभी एसी में छोड़ देती हूँ। यहाँ पर हेलमेट रख रखा है मैंने। और ये देखिए यहाँ पर धागे का डब्बा है। और इसके बाद है ये मिक्सर ग्राइंडर, जार तो किचन में रहता है, बस मिक्सर ग्राइंडर यहाँ पर मैं ढक के रख देती क्योंकि मिक्सी में यहीं पर चलाती, यहाँ पर प्लग है इसलिए। और यहाँ पर एक रख रखी हमने चेयर, और इसके ऊपर है कपड़े जो कि बाहर जाते हैं, तो ये मेरे हस्बैंड ये कपड़े पहन के जाते हैं, फिर तुरंत आकर उतार के इसी रूम में रख देते हैं क्योंकि दो दो मिनट में फिर कपड़े नहीं धोती हूँ। जैसे दो मिनट के लिए बाहर गए, तीन मिनट के लिए कुछ सामान के लेने के लिए, तो बार बार कपड़े नहीं धोती। और इसके बगल में ही हमने रख रखा है जीना। जीना हमने पेंट जब हमारा वाइट वॉश हुआ था तब हम लेकर आए थे, तो हमने यहीं पर रख रखा है। और ये है मेरे पापा की साइकिल जिसे मेरे पापा डेली ड्यूटी जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए फाइन लुक बाहर से हमारे स्टोर रूम का लुक। और उसके बाद हम आते हैं अंदर की साइड, देखिए यहाँ पर हमारी सारी चप्पलें हैं जो स्लीपर हम लोग यहीं पर रखते हैं। और उसके बाद छोटी सी जगह खाली है, यहाँ पर हमने एक पेड़ लगा रखा है। और देखिए ये पेड़ किस तरह से छत पे गया हुआ है, तो ये मैं पेड़ अब दिखाऊंगी आपको लास्ट में, वीडियो के एंड में जब छत पे जाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी कि ये पेड़ किस तरह से ऊपर गया हुआ है। और अपने मैंने और वीडियो में भी दिखा रखा है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो मेरा पुराना वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमने रख रखी है बाल्टी है पानी की, जिसको जैसे कि सब्जी वगैरह धुलने के लिए रखते हैं उसको ढक रखा है। ये बॉटल है पानी वाला, और ये है एक छोटा सा मटका जो कि हम इसका पानी पीते हैं। और इसी के बगल में हमने रख रखा है फ्रिज, और देखिए फ्रिज के ऊपर है मेरा कितना सारा सामान। तो बस ऐसे ही हमने अरेंज कर रखा है क्योंकि अलमारी वगैरह इतनी नहीं है और ड्रेसिंग टेबल वगैरह नहीं है, तो जो भी मेरा सामान होता है शीशा कंघी और तेल क्रीम पाउडर जितना भी नेल पेंट लिपस्टिक देख रहे होंगे आप, तो आप जितने भी सामान होते हैं यूज़ के सैनिटाइज़र वगैरह सारे हम मैं इसी पर रखती हूँ लाइन बार से, और ये गिरता भी है बार उठा के रखना भी पड़ता है। उसके बाद हम लोग आते थे किचन में, और ये है मेरा किचन। तो हमारा किचन ऐसा बना हुआ नहीं है कि प्रॉपर किचन है, बस हॉल में एक छोटी सी दीवार डाल के किचन बना रखी है। और यहाँ पर मैंने गैस रख रखा है स्लिप पे, और देखिए पूरी स्लिप खाली पड़ी है क्योंकि अभी खाना वाना नहीं बना है, बाकी खाना वाना बना कर इधर ही रखते हैं। और यहाँ पर है चम्मच और चक्कू लाइटर, इसी बॉक्स में मैं रखती हूँ जिसे कट करके मैंने लगा रखा है।
उस साइड में छन्नी वगैरह है जो काम की थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, और यह है पानी की बॉटल जो कि हमारा पीने का पानी, खाना बनाने का पानी यही है। और यहाँ पर एक है मेरा बर्तन स्टैंड, इसमें मेरे छोटे छोटे बर्तन जो हमें बार बार यूज़ में आते हैं वो मैं स्टैंड में लगा के रखती हूँ, और बड़े बर्तन स्टैंड में नहीं लगाती हूँ, बड़े बर्तन टोकरी में लगाती हूँ। यहाँ पर चकला बेलन का स्टैंड देखा आपने, उसके बाद आ गया ये हमारा जो जितने भी बॉक्स हैं दाल के, दाल हैं मसाले जितने भी हैं उन सब के सारे बॉक्स वगैरह इसके ऊपर मैंने लगा रखा है इस तरह से, आप देखिए। और चकला बेलन का स्टैंड देखा आपने, और उसके बाद हम आते हैं नीचे। तो इसमें है मेरे दोनों डिब्बे में वाइट वाले में चावल, और ये है मेरा एक सिलेंडर जो कि लगा हुआ है अभी गैस में, और इस टोकरी में है मेरे बड़े बड़े बर्तन जो कि भगोना कढ़ाई वगैरह कुकर इसमें रखती हूँ मैं, और फिर है तेल की बॉटल, फिर आटा का है ये स्टील है, जो स्टील का है उसमें आटा रखती हूँ, और ये ड्रम है उसमें भी कुछ कुछ यूज की चीज़ें हैं। तो फाइनल लुक एक बार किचन का फिर से आप लोग बाहर से देख लीजिए, बाकी अच्छे से मैंने टूर करवा दिया है आपको। और उसके बाद यह है सामने की साइड है दो रूम जो कि एक है पापा का रूम और एक है मेरा रूम। यह है मेरा वाला रूम जिसमें मैं रहती हूँ, और उसके साथ वाला है पापा का रूम, और वो पूजा वाला रूम भी है। तो चलिए पहले पूजा रूम को ही दिखाती हूँ मैं आपको, मेरा कैसा है पूजा रूम। और इसका भी मैंने गेट बंद कर रखा, गेट मैं हमेशा बंद करके इसलिए रखती हूँ कि बिल्ली आ जाती है, फिर बिल्ली अंदर में घुस के फिर गंदगी कर देती है, इस वजह से मैं हमेशा गेट बंद करके रखती हूँ, क्योंकि इन सब रूम में जब कोई नहीं रहता है तो हमेशा मैं कुंडी मार कर ही रखती हूँ। और देखिए ये मैंने खोल दी है इसकी कुंडी, और हम अपने पूजा रूम में एंट्री करते हैं। तो ये है मेरा, यहाँ पर मैंने मंदिर लगा रखा है छोटा सा, एक तरह से अलमीरा जैसा बना रखा है, प्रॉपर मंदिर नहीं है ये, बट बस यहाँ पर मैं हमने भगवान को स्थापित कर दिया है, तो हमारी यही मंदिर है। और यहाँ पर सारे भगवान हैं, और नीचे में है पूजा का सामान, पूजा के बर्तन वगैरह डिब्बे वगैरह हैं सब, और उसके नीचे भी है देखिए सारे बॉक्स डिब्बे जितने भी हैं सब इसमें हैं, और उसके नीचे टोकरी वगैरह है, ये टोकरी छठ पूजा की है, अगर आप जानते होंगे तो छठ पूजा में इस टोकरी का काम होता है, वही टोकरी है ये। उसके बाद यहाँ पर है एक फ्रिज जो कि काफ़ी पुरानी फ्रिज है, और ये फ्रिज चलती नहीं है, ये ख़राब हो गई थी तो हम लोग नई फ्रिज लेकर आए थे। और इस फ्रिज में देखिए कि क्या है, तो इस फ्रिज में है मेरे पापा के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, और दवाई है, और उनके कपड़े वगैरह इसी में रखते हैं वो। और ये है एक भगवद गीता जो कि जब पापा पढ़ते हैं फिर इसी में रख देते हैं, इधर पापा का चश्मा वगैरह है, तो पापा का जितना भी सामान है वो इसी में रखते हैं अपना एक जगह सेपरेट, ताकि इधर उधर ना हो। तो सही है, एक अलमीरा का काम कर रहा है। और ये फिर इधर है एक रेक टाइप का है, इस पे कुछ डॉक्यूमेंट थे उधर। और ये है मेरी सारी चूड़ियों के बॉक्स, इसमें मेरी सारी चूड़ी है, और कुछ ऐसी सिंगार का सामान है छोटा मोटा, बिंदी वगैरह, यहाँ पर छोटे से दो गणेश जी थे। और उसके बाद नीचे वाले सेल्फ में मैंने रख रखा है बाबू के कपड़े हैं बस, और इधर है शीशा कंघी और शेविंग करने का बॉक्स है, इसमें शेविंग का सामान है, और इसमें सारी यहाँ पे उसके नीचे से सारी बेडशीट है। उसके बाद नीचे है कुछ प्लेटें वगैरह हैं, और डिस्पोजल जो प्लेटें होती हैं वो हैं। और फिर ये है मेरा एक ट्रॉली बैग जिसमें कि मेरी साड़ियाँ वगैरह हैं, जो कि मैं कभी कभी फेस्टिवल, मतलब नॉर्मल सिंपल साड़ी जो फेस्टिवल वगैरह में पहन लेती हूँ वो मैं ऐसी ट्रॉली में रखती हूँ, ताकि बाहर से जल्दी से निकाल के पहन लूँ, चूहों की वजह से मुझे ट्रॉली में रखना पड़ता है। और फिर ये है पापा का बेड, यहाँ पर पापा सोते हैं, और बिल्कुल अरेंज कर रखा है पापा ने अपने बेड को। तो फिर और देखिए ये गेट के पीछे एक हैंगर लगा रखा है जिसमें पापा अपने कपड़े वगैरह टांगते हैं, यहाँ पर एक छतरी भी टांग रखी है। तो ये था मेरा छोटा सा रूम, और इसके ऊपर है ये टाड़ के ऊपर देखिए बॉक्स, कार्टन बॉक्स जितने भी होते हैं सारे कार्टन बॉक्स हम लोग रखे रहते हैं। ये मिक्सी का है, फ़ोन और पंखे का है, इसमें कुछ ज़रूरी का ज़रूरत का सामान जो वगैरह होता है इसी में रख लेते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा पूजा रूम, तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि आपको कैसा लगा मेरा पूजा रूम। और फिर चलिए फिर मैं आपको लेकर चलती हूँ दूसरे रूम में, इस रूम को कर देते हैं बंद। और ये है मेरा बड़ा वाला रूम, ये मतलब तीनों रूम में सबसे बड़ा रूम यही है, तो इसके अंदर मैं रहती हूँ। और तो चलिए इस रूम के अंदर आप को दिखाते हैं कैसा है ये रूम।
तो ये आ गए हम डायरेक्ट कुश्ते के साथ। यहाँ पर है एक अलमीरा सीमेंट का बना हुआ, जैसा वहाँ पे मंदिर था ना वैसा ही सेम यहाँ पर उसी डिज़ाइन का बना हुआ है। यहाँ पर साउंड बॉक्स रख रखा है हमने और इसी से टीवी अटैच है बगल में, तो इसलिए यहाँ पर रख रखा है। और यहाँ पर एक सीनरी है जो कि बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर मैं इसको हमेशा रखती हूँ। और उसके बगल में है बाबू की पेंटिंग है कुछ, और इसके अंदर जो मैंने पर्दा लगा रखा ऊपर वाले में सारे बाबू की, एक में बाबू की बुक्स है और दूसरे में सारे कपड़े हैं डेली वेयर करने वाले छोटे छोटे कपड़े, वो मैंने इसके अंदर अलमीरा के अंदर रख रखा है। उसके बाद है यहाँ पर बाबू का स्टडी टेबल, जो कि मैं स्टडी टेबल यहीं पर रखती हूँ क्योंकि इस रूम में हम लोग ज़्यादा रहते हैं, तो बाबू को मतलब मैं इसी में बैठ कर पढ़ाती भी हूँ, पढ़ता भी है वो यहीं पर। और यहाँ पर उसके जस्ट ऊपर है टीवी, टेबल के जस्ट ऊपर लगा रखा है। और ये एक है चेयर, जो कि चेयर आज खाली है बट यहाँ पर आपको हमेशा कपड़े ही कपड़े मिलते हैं। तो और ये देखिए, ये है दीवार पे पेंट जो कि स्टिकर हमने लगाया था, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि स्टिकर लगाने से थोड़ा सा भी रूम का अपना मेकओवर कर लिया है तो काफ़ी अच्छा लगता है इसी से ही। और देखिए, ये है बेड के उस साइड पे राइट हैंड साइड पे एक टेबल टाइप का है, वैसे ही हमारी दुकान थी तो काउंटर का काम करता था बट दुकान बंद हो गई तो टेबल का काम कर रहा है अभी। और यहाँ पर है हस्बैंड का लैपटॉप और ऊपर में कुछ कपड़े वगैरह जो मैंने टांग रखे हैं, पर्स वगैरह वो सब है। और लैपटॉप के बगल में रिमोट, माउस, मतलब जितने भी पर्स, घड़ी, राउटर, मतलब जितना भी जो मेरे हस्बैंड के यूज़ का सामान है सारा यहीं पे है, यहीं पे रखते हैं वो। अपना अपना सबका सेपरेट एक जगह बना लिया है, सब अपना अपना सामान वहीं पर रखते हैं। और ये है प्रिंटर और यहाँ पर बाबू के कुछ नोटबुक हैं। यहाँ पर एक स्विच बोर्ड है जो कि चार्जर वगैरह लगा कर यहाँ पर लैपटॉप चलाते हैं। और यहाँ पर एक दवाई रखी हुई है, ये बेड के जस्ट ऊपर है, यहाँ पे स्विच बोर्ड, यहीं से पूरे मतलब इस रूम का जितना भी जगह पूरे में लाइट यहीं से जाती है। और ये है ऊपर छज्जा टाँड जिसे बोलते हैं, यहाँ पे भी बॉक्स वगैरह देखिए रख रखा है हमने, फ़ोन के बॉक्स हैं। और ये लाइट है जो मेरे हस्बैंड ने बनाई है, वीडियो बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इधर टीवी का बॉक्स रखा हुआ है, तो ऐसे ही हैं सारे बॉक्स वगैरह ऊपर मैंने सही करके रख दिया है। और ये है खिड़की और अच्छे से एक और लुक देख लीजिए मेरे बेडरूम का, इस तरह से है। और फिर इस साइड से अब देखिए, मैंने पहले पीछे से दिखाया था, मैं गेट के साइड से दिखा रही हूँ। और एक खिड़की इसमें भी है तो काफ़ी खुला।